हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, देख लीजिए आज मेरे हाथ में क्या है। तो देख लीजिए भाई, कोई स्कूल बैग हो, चाहे वो कोई फटा हुआ पर्स हो, चाहे वो कितना भी खूबसूरत पर्स हो और जो हमारे लिए बेकार हो गया है। ये देखिए, इस तरह के थैले हो जो पहले खूबसूरत से लोग बनाते थे थैले, उस तरह के थैले हो, पर्स हो, सब बैग आ गए हैं इतने सारे मेरे पास। तो समझ गए होंगे, इकट्ठा कर ही रही थी कबाड़, तो काफी दिन से कबाड़ इकट्ठा हो गया था। तो मैंने कहा चलो भाई, आपके सामने कुछ इनका यूज भी दिखा लिया जाए, मतलब हमारे नजरों से कुछ भी नहीं बच सकता। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर चीज हम लोग अपने यहाँ संभाल के रख लेते हैं। तो ये क्या पर्स हम लोग, क्या हम लोग के काम आ सकता है? गार्डन में बहुत काम आ सकता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं इतना काम आ सकता है। मतलब कि हम लोग के पास, जानते हैं, हम लोग की दीवानगी किसी भी हद तक जा सकती है। मतलब कि गमले नहीं है, खत्म हो गए गमले, तो अब कैरी बैग भी खत्म हो गए हम लोग के पास, मतलब ग्रो बैग भी खत्म हो गए। तो अब क्या करेंगे? जो हम लोग के घर की पॉलिथीन होती है, ये वाली, इस तरह की जो कचरे वाली पॉलिथीन होती है, मतलब इसमें इस तरह के पौधे हम लोग के सालों साल चलते हैं, पता है आपको? नहीं पता होगा, क्यों? क्योंकि ये बैग का सपोर्ट आ जाएगा और इस पॉलिथीन में हम इसको, पौधों को रख देंगे, तो ये हमारे सालों साल काफी साल तक चल सकते हैं। तो ये सब मैं पर्स में आपको दिखाती हूँ, ये सब मैंने तैयार कर रखे हैं पहले से, कि हमने इसमें बैग भी मजबूती से बना दिए हैं। ये देखिए, ये मेरा कोलियस का प्लांट है और मैंने इसमें बैग भी मजबूती से लगा दिया है, जिससे पॉलिथीन भी हमारी मजबूती है। ये 1 साल 2 साल नहीं, कई सालों तक ये हमारे पौधे चलते हैं। और जितने साल आप, मतलब ये समझ लीजिए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये लोगों ने फेंक दिया उठा के, मैंने उठा लिया क्योंकि लोगों के लिए बेकार था। मेरी नजरों में बहुत काम का है और मेरी नजरों में ये दसियों साल चलने वाला है, क्योंकि मैंने तो इसको कुछ ऐसा यूज करना है नहीं है कि मैंने इसमें पैसे टांग के घूमना फिरना है, वो तो करना नहीं। हमको तो पौधे टांग के किसी भी कॉर्नर में जगह डाल दीजिए, जैसे आपके गमले में कोने में जगह खत्म हो गई है, तो आप दीवालों में इनको टांग के अपने खूबसूरती अपने गार्डन की बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह की आपने खूबसूरती बना दी अपने गार्डन की, और ये देखिए हमारे पौधे हो गए तैयार पॉट्स के अंदर, देख सकते हैं। इस तरह के पौधे आप 3-4 पॉलिथीन भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। एक पॉलिथीन मैंने ये एडजस्ट कर दी, इसमें थोड़ा सा बैग ज्यादा बड़ा दिख रहा है और पौधा हमारा छोटा दिख रहा है। तो भाई चलिए बड़ा लगा लेते हैं, ऐसा क्या है? ये देखिए, इस तरह का लगा लीजिए और कहीं से आपको लगेगा कितना खूबसूरत सा हैंगिंग ये हमारा बन गया, तैयार हो गया है। और इसको यहाँ पे इस तरह से टांग दीजिए, कहीं भी आप इसको टांग सकते हैं, कहीं भी लगा दीजिए ऐसे करके, इसको खूबसूरती ये अपने आप ही निखर आएगी। और इससे क्या होगा, हमारी पॉलिथीन भी हमेशा सालों साल टिकी रहेगी और हमारे पर्स भी काफी साल काम आ जाएंगे, क्योंकि पर्स के अंदर तो कपड़ा ही लगा होता है। कपड़े में भी हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैंने एक पॉलिथीन ले ली है, पॉलिथीन में दिखाऊंगी अब आपको। ये देखिए मेरा डिफिन बाकिया, काफी टाइम से इसमें गमले में लगा था, और डिफिन बाकिया को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा कितनी जल्दी बड़ा हो जाता है। और इसकी रूट्स देख लीजिए कैसी, पूरे गमले का शेप का बन गया है, पूरा बड़ा गमला हो गया है। तो इस गमले से छोटा पड़ गया था गमला, तो गमले की भी दिक्कत खत्म हो गई। और इसमें भी मैंने ये भर दिया, इसमें भी भर के दिखा दिया। तो अब ये क्या होगा मेरा, ये जैसे मेरे गार्डन में समझ लीजिए कम से कम ये 12-12, 14-14 इंची तक इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा ये मेरा, इतना बड़ा बड़ा लंबाई ले लेता है पौधा। तो ये मेरा इतना लंबाई पौधा ले लेगा, बड़े ठाट से लेगा और अब शान से जिएगा, क्योंकि इस गमले में बहुत छोटा पड़ गया था बेचारा, रूट बाउंड हो गई थी इसकी। रूट भी मैं काट दूंगी यहाँ से, ये रूट काट दी मैंने और इस तरह से, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मैंने कटिंग, साल क्या पता नहीं कितने साल मेरे बैग में चला जाएगा और सालों साल ये जिएगा आराम से, इसकी जिंदगी हो गई अब। और ये स्कूल बैग में हो गया तैयार, ये देखिए ये हो गया है स्कूल बैग में। इस तरह से लगा दूंगी, थोड़ा सा और बड़ा पॉलिथीन लूंगी इससे, ये थोड़ा सा बड़ा ज्यादा ही पड़ रहा है, तो इसमें लगा के दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। जिस क्योंकि उस हिसाब से ही पौधे लेने हैं, उस हिसाब से तैयारी करनी है। अभी दिखाऊंगी आपको बैग परफेक्ट बना के इसका, इस तरह की, ये देखिए इसके लिए नाप सही है ये देखिए। अब इसमें इतने नाप का आपने ले लीजिए पॉलिथीन और ठाट से इसमें मट्टी लगा लीजिए इस तरह की, और जितनी क्योंकि जम जाए खूब अच्छे से मट्टी, अपना पौधा जड़ पकड़ ले इसमें खूब अच्छे से, क्योंकि मैंने इसमें पॉलिथीन डाली है। पॉलिथीन पतली है लेकिन बैग हमारा मोटा है, तो ये आराम से हमारी चल जाएगी इसमें। ये देखिए, ये देखिए इसकी खूबसूरती देख लीजिए आप, कितनी प्यारी सी खूबसूरती लग रही है। इस तरह से आप इसको कहीं भी टांग सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बैग टांग सकते हैं, जहां आपको जगह मिल जाए यहाँ पे ऐसे ये टांग दीजिए इस तरह से, देख लीजिए कितना सुंदर से लग रहा है। इस तरह से बैग मैं अपने पूरे ये गार्डन में अभी कोने में जगह इसकी ढूंढूंगी, क्योंकि मेरे गार्डन में जगह खत्म हो गई है। जब जगह खत्म हो जाए
तो ये बैग इस तरह से आप आराम से कैरी बैग लगा सकते हैं और कहीं भी इसको टांग के वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, अपने गार्डन में चार चांद लगा सकते हैं इन बैगों से। इसलिए मैंने इन बैगों का उपयोग बताया है। इन बैगों में इतने आराम से आप आराम से कहीं भी देख लीजिए, ये आप बहुत सुंदर लगते हैं कहीं भी इस तरह से। पूरा पूरे तार मेरे घर में तो कपड़े भी टंगते हैं इसमें यहाँ पे, तो इसलिए जगह ही बहुत कम हो जाती है। अभी जगह बनाती जाऊंगी इन लोग की, अभी तो आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे मुझे इसको सेट करना है। ये खाली में सेट कर रही हूँ आप लोगों को दिखा के, बैग सिर्फ ऐसे दिखा रही हूँ। ये देखिए ये पर्स आ गया है। अब इस पर्स में भी ये देखिए मेरा, ये मेरा ड्रेसिना का प्लांट है और बहुत गजब का पूरे गार्डन में इसने राज करा हुआ है। और ये भी मेरे ठाट से इसमें बैग में आ जाएगा, ये बना हुआ था, ये देख लीजिए। अब इसमें ठाट से ये हमारा खूबसूरती देख लीजिए आप जरा इसकी, ये देखिए इस तरह की खूबसूरती। सोच सकते हैं आप, कोई हमारे घर में घूमने भी आएगा तो कहेगा अरे बाप रे पर्सों का भी यूज देख लीजिए, इस तरह से पर्स हमने टांग दिए हैं अपने कहीं भी। कितना खूबसूरत ड्रेसिना लग रहा है आप लोग को मैं बता नहीं सकती हूँ झूले की ज्यादा। इसमें ये वाला देखती हूँ फिर यही लगा लेती हूँ, ये भी ठीक है। ये देखिए गया, ये स्कूल बैग भी तैयार कर दिया मैंने। अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको जगह भी इसकी खूब सुंदर सुंदर सी बना दूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इसके तैयारी की है। ये देखिए ये स्कूल बैग, ये वाला बैग हो गया तैयार। बैग लगा देती हूँ, ये कोलियस, दोनों तरह के कोलियस हैं, ये देख लीजिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोलियस हैं। एक कोलियस इसमें डाल दिया और ये देखिए वाह, मतलब ये परफेक्ट पर्स हो गया मेरा। ये देखिए दोनों तरह के कोलियस मैंने इसमें लगा दिए हैं और चल दी है मैडम मार्केट की तैयारी, शॉपिंग करने। ये देखिए मार्केटिंग की शॉपिंग करनी शुरू हो गई मेरी। लोग कहेंगे वाह पर्स में पैसे निकाल के दो भाई, हम तो कहेंगे भाई हमारे घर पौधे ले जाइए, हम तो अपने पर्स में पौधे टांग के घूमते हैं। तो देख लीजिए हमारी गार्डन की तरीके कुछ हमारे इसी अंदाज के होते हैं। अब इन लोगों को मैं कहीं ना कहीं खूब अच्छे से एडजस्ट कमेंट कर दूंगी है, कुछ भी जो निकलता है A to Z, किचन का कचरा, कबाड़ का कचरा, बॉटल का कचरा, पर्स का कचरा, जो मिले उठा लो और अपने गार्डन में प्रदूषण को बचा लो भाई। कूड़े के ढेर में फेंकने से अच्छा है अपने गार्डन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने गार्डन में चार चांद लगा सकते हैं। ये बैग देख लीजिए मेरा कब बहुत सुंदर सा बना था, छोटी सी मेरी बेटी जब छोटी थी वो अपने स्कूल में इसमें ले जाती थी, अपना पिकनिक वगैरह जाती थी, तब का ये बैग है और मैंने इसको इतना संभाल के रखा है और मुझे इतना सुंदर ये बैग लगता है। तो आप समझ सकते हैं बेटी की अपनी एक यादगार भी हो जाती है, बेटी बड़ी हो गई, बढ़िया कहीं चली गई, सेट हो गई, लेकिन इनकी निशानियां, छोटे में हमारे बच्चे पिकनिक जाते हैं और इतने सुंदर सुंदर से बैग ले जाते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। और अपने गार्डन में तो हर चीज हमारी 10 दिनों क्या सालों साल टंगी रहती है, कभी भी इधर से उधर नहीं होती है। ये बैग हमारे इतने मजबूत बैग हैं, इसमें हम लोग पानी भी डाल देंगे क्योंकि मैंने इसमें पन्नियां लगाई हैं सबने, तो पानी डाल के कहीं भी और कपड़े से छेद से, जैसे पन्नी में छेद लगे हुए हैं, पानी डाला छेद से अपने आप पानी ड्रेनेज बन गया, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लांट भी नहीं कभी सूखेगा। तो ये इस तरह के पौधे हम लोग अपने ठाट से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड आज की आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, स्कूल बैग की और बैग की, थैले की, पर्स की कैसी लगी जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से आपको बस सिर्फ दिखाया है, अभी मैं इसको एक जगह जब टांग तो इसलिए मुझे इसकी जगह बनानी है, कहीं जगह बनाऊंगी कहीं टांगूंगी। भाई आ गए हैं देख लीजिए, इनके बिना तो मेरे गार्डन में कोई काम अधूरा ही रहता है। ये देखिए अपने बेबी को भी कितने प्यार से इसने उठाया है और मेरे गार्डन में इनसे रौनक बनी रहती है, परमानेंट ये लोग मेरे गार्डन में बने ही रहते हैं, खूबसूरत चार चांद लगाते ही रहते हैं। तो फ्रेंड देखिए मैंने कितनी सुंदरता से ये पेड़ पर्स टांग दिए हैं, क्या गजब के लग रहे हैं आप देख सकते हैं। एक पूरा हैंगिंग पॉट भी बन गए हैं, समझ लीजिए मेरे ये झूमर वाले पॉट भी बन गए हैं, झूमते भी रहेंगे और खूबसूरती अपनी बयां भी करते रहेंगे। कोलियस को मैंने सोचिए कितना हवा में लहरा दिया है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लग रहा है। मैंने दोनों कलरफुल कोलियस लगा दिए हैं इसमें, रेड कलर का भी लगा दिया है, ग्रीन कलर भी, कितना सुंदर सा लग रहा है। और अब ये पर्स देख लीजिए मेरा, ये देख लीजिए इसमें मैंने रियो प्लांट को लगा दिया है और गजब का रियो लग रहा है। और ये इतना गजब का पूरा घना हो जाएगा, इतना घना हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये पूरा पर्स बहुत खुला हुआ है और काफ़ी स्पेस है। और मैंने इस तरह का इसमें पॉलिथीन भर दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें पौधे इस तरह से सेट कर दूंगी जिस हिसाब से इसमें बन पाएंगे। तो इस पर्स को आप कोई कह सकता है कि ये पर्स बेकार था, कूड़े में फेंकने लायक था, लेकिन देख सकते हैं आप इसमें भी टैग भी लगा हुआ है। तो मेरे लिए तो फिलहाल ये मेरे गार्डन के लिए तो खूबसूरती बन ही गया है और बिल्कुल नया प्लांटर मैंने बना दिया है, बिल्कुल यूनिक प्लांटर बना दिया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। क्या प्लांटर बनाया है कि हर कोई देख के बोल रहा है अरे बाप रे यह
यहाँ तो बिल्कुल ही प्लांटरी ऐसे ऐसे यूनिक बिल्कुल प्लांटर आते हैं जो वाकई में म्यूजियम में रखने वाले होते हैं, जो लोगों की नज़रों में बिल्कुल कूड़ा कचरा होता है, लोग कभी भी उसको उठाना पसंद नहीं करते हैं। अपने घर में कौन कूड़ा रखना पसंद करता है, लेकिन बॉबी ही एक ऐसी है। ये देख लीजिए कितना प्यारा सा एलिफेंट, देख लीजिए गजब की खूबसूरती इसकी बयां हो रही है। और इसमें तो मैंने रखी है तो उस हिसाब से, लेकिन ये इतना सुंदर था तो मैंने उसको संभाल के रख दिया। इतना प्यारा बैग, और देख लीजिए ड्रेसिना का प्लांट है, बिल्कुल ही अलग से चार चांद लग रहे हैं, मतलब एक एलिफेंट का इसमें बनाया गया है प्लांटर, और कितना गजब का प्लांटर, बिल्कुल अलग अलग से बिल्कुल यूनिक प्लॉट मेरे प्लांटर बन गए हैं कि हर कोई आते जाते एक बार अपनी निगाहें जरूर लगा देगा और रुक जाएगा, कहीं भी जाएगा रास्ता अपना भूल जाएगा और सोचेगा अरे बाप रे इसके गार्डन है कि क्या है इसके गार्डन में। तो मेरे गार्डन में आप किसी भी कोने में नजर मारोगे, हर कोने में आपको यूनिक प्लांटर ही मिलेंगे। कोने कोने में आप देख लीजिए, हर जगह नजर घुमा के देख लीजिए, आते जाते लोग जब रुक जाते हैं, लोग कोई काम जाते हैं करने और भूल जाते हैं कि हम क्या काम करने जा रहे थे, क्योंकि इन प्लांटर का मोह ही ऐसा होता है। इनकी एक सब जो बोलते हैं सुंदरता ही एक ऐसी होती है कि लोग इसको देखते ही रुक ही जाते हैं और देखते हैं बाप रे क्या गजब गजब के प्लांटर बनाती है भाई, ये तो बिल्कुल हर कोई चीज नहीं छूटती है और जो भी कूड़ा होता है उसको हीरा बना देती है। तो फ्रेंड मैंने इनकी जगह बना दी है, सोच रही थी कहाँ टांगू, बड़ी देर बाद डिसाइड कर पाई क्या है कि कोने कोने मेरे भर गए हैं, फिर भी ये कोना मैंने किसी तरह से जगह बना दी है और खूबसूरत से अपने प्लांटर टांग दिए हैं। तो देख लीजिए बिल्कुल यूनिक प्लांटर मेरे झूम रहे हैं, झूमर भी बन गया है, और एलिफेंट का तो झूमर मेरा बहुत सुंदर लग रहा है, देख लीजिए कितना सुंदर सा झूमर लग रहा है, वाओ दूर से ही बिल्कुल वाओ, क्या घंटियां जैसे लग रहा है, बिल्कुल अलग से बज रही हैं क्योंकि प्लांटर की खूबसूरती ही अलग है और प्लांटर तो अलग है ही, मतलब ये है कि कोई भी आपकी नज़र से कबाड़ बचना नहीं चाहिए, जैसे मेरी नज़र से कुछ कबाड़ नहीं बच पाता है। मैं इसीलिए वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग जितना हो सकता है उतना कबाड़ अपने छत में टांग दीजिए। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर आती हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो लेके। ओके फ्रेंड, बाय बाय।